हेलो दोस्तों, भारत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज शाम की कुछ 6 अक्टूबर शाम की अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। बीएड के रिगार्डिंग अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। चलिए फटाफट से नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या क्या नोटिफिकेशन आज की डेट में आए हैं, और दूसरे नोटिफिकेशन भी आपको मैं बताऊँगा जो कि आप कमेंट्स में पूछ रहे थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर पहले नोटिफिकेशन के साथ। पहला नोटिफिकेशन दोस्तों ये है, बीएड एडमिशन सेंट्रल कमेटी मीटिंग जो हुई थी 25 सितंबर को, तो फिल्डर सब कैटेगरीज यहाँ पे कहा है, कैंडिडेट्स अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैविंग सब कैटेगरीज ऑफ जनरल आईडीपी जो भी कैटेगरीज हैं आर डायरेक्टेड टू फिल देयर सब कैटेगरीज, तो उनको अपनी सब कैटेगरीज भी फिल करनी है ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड ऑफ बीएड काउंसलिंग। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि 5 से 10 तक, ओके हाँ, तो ये आपको फिल करनी है सब कैटेगरीज। However, the candidates who did couldn't apply against the above mentioned EWS category in the first round counseling are allowed to above reservation with the pre-written approval of the coordinator BEd. Okay, next notification. तो ये notification है, और पहले वाला notification आपको बता दिया तो वो आप देख लीजिएगा, सब कैटेगरीज के लिए बोला है उन्होंने। दूसरा है हाँ, कल्चर एंड स्पोर्ट्स कोटा, तो ये बोला है दोनों के लिए, HPU के अंडर जो आते हैं और HPU के अंदर जो भी कॉलेजेस आते हैं, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स कोटा सीट्स हैज बीन शेड्यूल 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर एट 10:30 AM एच इन द HPU यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम समल हिल शिमला में जो है आपकी क्या है तो यहाँ पे आपकी शेड्यूल्ड हुआ है जो कि आपकी HPU के अंडर आते हैं और HPU के अंडर आते हैं। ओके तो आप देख लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट है ये कौन से एलिजिबल है सेकंड राउंड के अप्लाई करने के लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 53, अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो 53 या इससे ऊपर है तो वो अप्लाई कर सकता है, और जो आपके रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं 45 या 45 से ऊपर हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट हु वर अलॉटेड अ कॉलेज इन द फर्स्ट राउंड जिनको कॉलेज मिला है एंड हैव नॉट पेड द एडमिशन फीस, वो कन्फर्म द अलॉटेड सीट, तो वो उसके लिए कॉलेज इन द फर्स्ट राउंड एंड हैव नॉट पेड द एडमिशन फीस, हाँ तो जिन्होंने फीस पे नहीं किए वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट हु वर नॉट अलॉटेड एनी सीट वो भी कर सकते हैं जिनको कोई भी सीट नहीं मिली है। अच्छा, कैंडिडेट हु हैव कन्फर्म्ड देयर अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड एंड पेइंग ओनर फीस, ओके तो जिन्होंने यहाँ पे फर्स्ट राउंड में अप्लाई किया था उनका उनको सीट मिल चुकी है और उन्होंने वहाँ पे यस किया होगा, डू यू वांट टू चेंज अपग्रेड योर एग्जिस्टिंग कॉलेज, वो भी अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। कौन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिसके 52 से नीचे होंगे मार्क्स आप, हाँ तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और रिजर्व कैटेगरी के 44 से नीचे नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे नो किया होगा तब भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और ये बाकी के भी अदर स्टेट वाले भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन दोस्तों, ये वैकेंसी रिपोर्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला और जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो ये आप देख लीजिएगा, इनका मैं PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, कॉलेज के हिसाब से आप देख लीजिएगा किस कॉलेज में आपको अप्लाई करना है और उस हिसाब से अपनी सीट्स देख सकते हो। नेक्स्ट नोटिफिकेशन, ये HPU की सीट्स हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा, PDF मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अभी प्रोवाइड करवा दूंगा जो भी नोटिफिकेशन आपको मैंने बताए हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।